ऑल ह्यूमन बीइंग वेरी स्पेशल। अगर हम अदर सभी लिविंग बीइंग से इंसान का कंपेयर करें तो सबसे स्पेशल कैरेक्टर हमारे अंदर ये है कि हमारे अंदर फीलिंग्स है। एट द सेम टाइम हम अपने फीलिंग्स को दूसरे तक बहुत इजीली पहुंचा सकते हैं। दैट मीन्स हमारी पूरी जिंदगी इमोशन का ही ताना बाना है। एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे कोई इंसान कैसे बिहेव करेंगे, कैसे रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करेंगे, ये डिपेंड करता है कि वो कैसा फील कर रहा है। दैट मीन्स हमारे इमोशन ही हमें चलाते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा, अगर हमारे इमोशन हमें चलाते हैं तो ये इमोशन जनरेट कैसे होता है? एक ही सिचुएशन में एक इंसान जो बहुत कामली हैंडल करते हैं सिचुएशन को, जबकि और एक इंसान उसी सिचुएशन में बहुत भड़क जाते हैं। ऐसा कभी कभी हमारे खुद के घर में भी होता है, दो भाइयों के बीच में या फिर दो बहनों के बीच में। एक ही पर्टिकुलर सिचुएशन पे दोनों का ओपिनियन, दोनों का रिएक्शन कंप्लीटली डिफरेंट होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है वो कौन सा मैकेनिज्म जो काम करता है हमारे इमोशन जनरेट करने के पीछे। सो आज हम बात करने वाले हैं 7 चक्रास के बारे में। हम इंसान के स्पाइन में 7 चक्रास होते हैं और ये 7 एनर्जी पॉइंट्स ही डिपेंड करता है कि हम कैसे अपनी जिंदगी को जिएंगे, रिएक्ट करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, कैरियर में कहाँ पहुँचेंगे, हमारा हेल्थ कैसा होगा, हमारी क्रिएटिविटी कितना अच्छा होगा, हम फोकस्ड होंगे या नहीं। एवरीथिंग डिपेंड ऑन आवर चक्रास। आपने नोटिस किया होगा जो मॉन्क होते हैं उनके चेहरे पे एक बहुत शांति सा रहता है, एक सुकून। हर एक सिचुएशन में वो काम होते हैं क्योंकि वो इन एनर्जी पॉइंट्स पे काम करके होते हैं। कोई भी चक्रा अगर ओवर एक्टिवेट होते हैं तो भी अच्छा नहीं है। एट द सेम टाइम अगर कोई चक्रा ब्लॉक है दैट इज आल्सो वेरी बैड फॉर अस। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे चक्रास के बारे में। इस सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे कि ये चक्रास क्यों इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में और क्यों हमें इन पे वर्क करना चाहिए और कौन कौन सी चीजें हैं जो करके हम अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। हाय, मैं हूँ तनुजा, दिल से स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे चैनल में। यहाँ हम सीखेंगे अबाउट विजडम, हम काम करेंगे अपने ऊपर ताकि हम खुद बैलेंस हो सके अपने लाइफ में, अपनी लाइफ के उतार चढ़ाव को बहुत इजीली हैंडल कर पाए और सेम चीजें पास आउट करें अपने नेक्स्ट जनरेशन को, पहुंच सके अपने अल्टीमेट गोल तक। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है तो जुड़े रहिएगा टिल लास्ट। और एक रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज आपका ये मोटिवेशन मुझे हेल्प करते हैं ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। इस चैनल का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने बच्चों को, अपने नेक्स्ट जनरेशन को एक बेहतर लाइफ दे पाए। सो हम बात कर रहे थे ह्यूमन मैकेनिज्म के बारे में। हम सब इंसान जब किसी और एक इंसान से मिलते हैं तो सबसे पहले हम उन्हें पहचानते हैं उनके फिजिकल अपीयरेंस से, दैट मीन्स उनका नाक नक्श, रूप रंग कैसा है उससे। फिर धीरे धीरे जब और घुलते मिलते जाते हैं तो पता चलता है कि उनका मेंटल स्टेटस कैसा है या फिर वो कैसे इंसान है, मतलब किसी सिचुएशन पे वो कैसे बिहेव करते हैं, वो काइंड है या फिर नहीं है, इंटेलिजेंट है या फिर नहीं है, ऐसे बहुत सारी बातें। हम सब इंसान हैं फिर भी एक ही सिचुएशन पे या फिर ज़िंदगी में हर किसी का कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट होता है। रिलेशन में अलग तरीके से, कैरियर वाइज अलग तरीके से, हेल्थ वाइज अलग तरीके से। अब हम समझेंगे इन सब के पीछे वो कौन से मैकेनिज्म है जो काम करता है। सो अपने आप को जानने के लिए और थोड़ा डीप जाते हैं। अब हम अपने फिजिकल अपीयरेंस पर ध्यान नहीं देके थोड़ा सा और डीप डिगिंग करते हैं और समझते हैं। जीवन ऊर्जा हम इंसान को चलाते हैं और ये जीवन ऊर्जा हमारे शरीर में टेल बोन से होकर टॉप ऑफ द हेड तक के 7 पॉइंट्स से होके गुजरते हैं और ये 7 पॉइंट्स ही हमारे ऊर्जा का केंद्र हैं और इसी पे डिपेंड करता है हमारा सारा जीवन कि हमारा लाइफ कैसा होगा। ये 7 ऊर्जा के पॉइंट्स या बिंदु को ही 7 चक्रों के नाम से जाना जाता है। चलिए चक्रों को थोड़ा और सिंपल वे में समझते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारा शरीर एक साम्राज्य है और ये साम्राज्य 7 डिफरेंट राज्य से मिलकर बना हुआ है और हर एक राज्य का अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इसमें से कोई भी एक राज्य ठीक से काम नहीं करता है तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली हमारा साम्राज्य में भी उसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड है। और अगर और इजी वे में समझना चाहें तो एक बार आप अपने घर के पानी का जो सोर्स है उसके बारे में सोच के देखिए। हम सबके घर में पानी का एक मेन सोर्स होता है, वहाँ से अलग अलग पाइप से होते हुए डिफरेंट रूप में वो पानी पहुँचता है। अब मान लीजिए इसमें से किचन हो या बाथरूम हो या फिर कोर्टयार्ड या फिर किसी एक एरिया में आपके पानी के नल से पानी नहीं आ रहा है, तो रीज़न दो ही हो सकते हैं, या तो पाइप में ब्लॉकेजेस हैं या फिर उसमें कुछ खराबी आ गया है, तो ऑब्वियसली उसमें पानी का बहाव नहीं आ पाएगा जबकि अदर्स रूम में आ रहा है। सेम वे हमारे चक्रास में से कोई भी एक चक्रा जब ब्लॉक हो जाता है तो उस पर्टिकुलर चक्र हमारे लाइफ की जिन सब चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार होते हैं वो एरिया डेवलप नहीं हो पाता है या फिर वहाँ प्रॉब्लम आता है। ये हम समझेंगे जैसे जैसे चक्रास के बारे में हम डिटेल जानेंगे तो समझ में आएगा कि हमारा कौन सा चक्रा जो ब्लॉक है और जिसके लिए हम किस एरिया में फंस रहे हैं बार बार ज़िंदगी के। एज ए स्टूडेंट चक्रास को हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया, आपका ओवरऑल परसेंटेज 80% आया है और आप सेटिस्फाइड नहीं हो क्योंकि आप बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो एंड यू डिज़र्व मोर। तब आपको देखना पड़ता है कि आपने कौन से सब्जेक्ट में स्कोर नहीं कर पाए या फिर कम किया है, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट जो आपके फेवरेट है उसमें मार्क्स तो बहुत अच्छे आए हैं, बट हो सकता है लिटरेचर आपको कम पसंद है, आपने उस पर कम ध्यान दिया तो ओबियसली उसका मार्क्स कम हो गया, तो इसका पूरा इफेक्ट आया आपका ओवरऑल परसेंटेज पे। सेम वे जब हमारे सभी चक्रा में से कोई भी एक चक्रा, दो चक्रा, जो भी चक्रा इनएक्टिव होता है या फिर ओवर एक्टिव होता है तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट होता है। हम लाइफ के किसी न किसी पर्टिकुलर एरिया में बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं या फिर इमोशनली हम ओवर रिएक्ट करते हैं। ये तो हुई चक्रास को थोड़ा सिंपल वे में हमने समझा। नाउ लेट मी टेल यू विच आर दोज चक्रास। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। जैसे मैंने कहा टेल बोन से शुरू होता है, तो फर्स्ट चक्रा हमारा होता है टेल बोन के पास, दैट इज़ मूलाधार चक्रा। इन इंग्लिश इट्स नोन एज रूट चक्रा, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नाम से आपको पता चल रहा है रूट मीन्स बेस। यस। उसके बाद आता है सैक्रल चक्रा, जिसे स्वाधिष्ठान चक्रा भी बोला जाता है। ये नेबल के नीचे होता है, ऑलमोस्ट 2 इंच नीचे। देन वी विल गो फॉर द थर्ड चक्रा। थर्ड चक्रा हमारा होता है मणिपुर चक्रा। ये नेवल के 2 इंच ऊपर होते हैं, इसे सोलर प्लेक्सस चक्रा बोला जाता है। उसके बाद जो फोर्थ चक्रा होता है ये हमारे शरीर के सेंटर में होता है, दैट मीन्स हार्ट चक्रा। सातों चक्रा के सेंटर पॉइंट होता है, इसे हिंदी में अनाहत चक्रा बोला जाता है। फिर आता है थ्रोट चक्रा, जो कि नाम से पता चल रहा है कि हमारे थ्रोट में होता है, और इसे हिंदी में विशुद्धि चक्रा कहा जाता है। आफ्टर दैट जो चक्रा आता है वो होता है थर्ड आई चक्रा, इसे आज्ञा चक्रा भी बोला जाता है। ये चक्रों का राजा होता है। इसका पोजीशन ये दोनों आईब्रोज के बीच में होता है। अक्सर आपने देवी देवताओं के पिक्चर में उनके एक थर्ड आई ड्रॉ किया हुआ देखा होगा, वही पॉइंट है जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, दैट इज़ द थर्ड आई चक्रा। फिर आता है टॉप ऑफ द हेड, नाम से पता चलता है क्राउन चक्रा, इसे हिंदी में शस्त्रार्थ चक्रा बोला जाता है। तो ये होते हैं हमारे 7 चक्रास। सारे चक्रा अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे पहले हमने समझा कि एक भी इसमें से गड़बड़ हो गया तो हमारी पूरी लाइफ शेकन होने लगते हैं। ये थे हमारे चक्रास जो हमें चलाते हैं। अब जब हम
चक्रों के बारे में थोड़ा बहुत जानने लगे हैं, तो आगे हम सीखेंगे कैसे एक एक चक्रा पे हम वर्क करके उसको बैलेंस कर सकते हैं, ताकि लाइफ में जहाँ कहीं भी हम स्टक हो रहे हैं उसको समझ पाए और उसको रेक्टिफाई कर पाए। सो ये थे हमारे 7 चक्रास के बारे में थोड़ा सा डिटेल नॉलेज। होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नई सोच और एक नए सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। थैंक यू।